हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कोड बताया था कैरोसेल डॉट एच टी एम एल पेज का, और मतलब ये हमारा होम पेज का आउटपुट जो आ रहा है वो मैंने आपको बताया था कहाँ से आ रहा है। कैरोसेल डॉट एच टी एम एल जो पेज है वहाँ से, और उसके अलावा नेविगेशन डॉट एच टी एम एल, इन दोनों को मिला के हमारा ये वाला होम पेज तैयार हुआ है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अबाउट अस पेज की, ठीक है, तो अबाउट अस में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट एक इमेज हमने यूज़ की है। नेविगेशन डॉट एच टी एम एल तो सबके लिए सेम रहेगा। उसके अलावा ये कंटेंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी, अब ये नेविगेशन बार हमें बार बार उसका कोड ना करना पड़े, तो ये उसका बेनिफिट है कि आपने नेविगेशन डॉट एच टी एम एल फाइल बना के उसमें नेविगेशन बार का कोड लिख दिया, ये जो नेविगेशन बार देख रहे हैं, और ये इमेज यूज़ कर ली, लोगो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट है वो हमने नेविगेशन डॉट एच टी एम एल के अंदर उसका कोड कर दिया, तो उसको हम हर बार क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे सभी पेज में, तो हमें वो फिर से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक को लोड कर दिया ताकि कुछ स्टेट मतलब स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो इमेजेस फोल्डर हैं उसको यूज़ कर पाएँ, जैसे ये इमेज हमने यूज़ की है, ये वाली इमेज आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इमेज है, तो ये इमेज कैसे आ पाएगी उसके लिए आपको लोकेशन बताना है, स्टैटिक के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर ये लोकेशन है। ठीक है, तो स्टैटिक फोल्डर को एक्सेस करने के लिए आपको ये स्टैटिक को लोड करना पड़ता है, ब्लॉक बॉडी देन आफ्टर स्टाइल का यूज़ कर लिया। ठीक है, इसका तो आई थिंक हमने लिख दिया है मैंने, बट इसका कोई यूज़ नहीं किया आई थिंक। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो कई बार ये क्या है कि कोड जब मैं लिखता हूँ तो कई चीज़ें लिख देते हैं बट बाद में हटानी पड़ती हैं। ठीक है, तो मुझे भी बाद में देख के याद आता है, जैसे कई कई टाइम मतलब काफ़ी टाइम पहले मैंने ये कोड लिखा था, तो अब मैं मुझे भी देखते देखते याद आ रहा है कि हाँ मैंने ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा था। ठीक है, तो आई थिंक ये जो कोड है उसकी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जूम नाम की, और होवर इफेक्ट दिया है, मतलब जब माउस लेके जाऊँ तो स्केल हो जाए, तो ऐसा कोई स्केल तो होता हुआ यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो इस पेज में इस कोड की ज़रूरत नहीं है, तो ये कोड आप मत लिखना। ठीक है, मैं आपको हटा के भी दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो कुछ कोड एक्स्ट्रा भी आ गया होगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पॉजिटिव आप टाइप करें, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, तो उसको हमने हटा दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक इमेज दी है बैकग्राउंड में, उसकी पोजीशन वगैरह साइज वगैरह सब सेट किया है, तो ये सी एस एस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में इमेज आप देख रहे हैं ये आ रही है। फिर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक रो है, देन आफ्टर कॉलम बनाया है 6 साइज का, तो ये आप देख रहे हैं 6 साइज का क्योंकि बनाया है, इसलिए ये हाफ पार्ट में आ रहा है, क्योंकि टोटल साइज कितना होता है, 12 होता है। तो ये अबाउट अस लिख दिया हेडिंग के अंदर, कलर वगैरह सेट कर दिया, मार्जिन दे दिया, फिर पैराग्राफ के अंदर ये सारा कंटेंट लिख दिया। ठीक है, तो ये पेज का नाम मैंने दिया है अबाउट डॉट एच टी एम एल, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने यू आर एल्स डॉट पी वाई को भी सेट किया होगा। व्यूज डॉट पी वाई के अंदर आप देखेंगे अगर, तो एक फंक्शन बनाया है ये अबाउट नाम का, और यहाँ पे इसको रेंडर करवाया अबाउट डॉट एच टी एम एल को। और अगर आप देखेंगे यू आर एल्स डॉट पी वाई को, तो यहाँ पे हमने एक पाथ सेट किया है, ठीक है, अबाउट अबाउट यहाँ पे मैंने पाथ दिया है, मतलब ये आप देख रहे हैं स्लेश के बाद क्या लिखा है, अबाउट लिखा है, तो यही नाम ये लिखा हुआ है अबाउट। ठीक है, और ये फंक्शन का नाम बता दिया, मतलब व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जो फंक्शन है, इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसका कैपिटल रखना है, ये पूरा स्मॉल में ही, ये भी स्मॉल में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्मॉल में अगर इसको रखा है तो
व्यूज डॉट पी वाई के अंदर भी ये पूरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, और जो फाइल का नाम दिया अबाउट डॉट एच टी एम एल, वही नाम आपको यहाँ यूज़ करना है। ठीक है, होम में आप देख रहे हैं कैरोजल डॉट एच टी एम एल को हमने दिखाया, क्योंकि होम में क्या है, होम में कुछ नहीं है, कैरोजल बनाया है और ऊपर तो नेविगेशन बार दिया है, नेविगेशन बार को एक्सटेंड किया है। सिमिलरली कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल का कोड भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ईजी है, हम जिम मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी देख चुके हैं। तो आगे के जो कोड्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।